बिहार के गोपालगंज के कुख्यात अपराधी रहे आरजेडी नेता सुरेश चौधरी को दरवाजे पर टहलने के दौरान एक बाइक सवार युवक ने गोलियों से भून दिया। सुरेश चौधरी को सीने में 3 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरेश चौधरी सुबह अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा और पिस्टल निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। फायरिंग में सुरेश चौधरी को सीने पर 3 गोलियां लगी है। गोली लगने के बाद सुरेश चौधरी मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गए। आनन-फानन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखकर बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी का कहना है कि इस घटना की जांच की जा रही है। वारदात कैसे हुई, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। आपको बता दें कि सुरेश चौधरी 2 दशक से अपराध की दुनिया में थे। ट्रिपल मर्डर और इंस्पेक्टर को गोली मारने समेत कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल वो आरजेडी का नेता हैं। न्यूज़ डेस्क।